सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माय आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सूट की कटिंग करना बताऊंगी। देखिए, हमारे सूट में आगे बॉर्डर है और इसके यहाँ पर ये सिलाई है, तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, यानी आगे पीछे के हिस्से हम पहले अलग कर लेंगे। देखिए, इसका मैंने वो हिस्सा अलग कर दिया है बाकी, और इसकी सबसे पहले हमें लंबाई चौड़ाई देखनी होती है कि हमें कितनी इसकी लंबाई रखनी है और कितनी इसकी चौड़ाई रखनी है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखते हैं, क्योंकि इसमें देखिए नीचे की साइड बॉर्डर है, तो हम यहीं से इसकी लंबाई नापते हैं इस तरह से। और अगर इसमें बॉर्डर नहीं होता तो हम नीचे इसका मोड़ने के लिए इसमें रखते, इसमें मोड़ने के लिए हमें नहीं रखना है इस तरह से। इसकी लंबाई जैसे हमें 37 इंच रखनी है, तो तैयार लंबाई इसकी 37 इंच है। और उसमें देखिए ऊपर तीरे की सिलाई में कम से कम आधा इंच हमारा जाएगा, तो आधा इंच या पौना इंच हम ऊपर तीरे की सिलाई के लिए रखेंगे। तो इस तरह से इसकी लंबाई हम 37.5 या 37.5 इंच रखेंगे। और जो हम इसकी चौड़ाई लेते हैं, जितने हमारे हिप होते हैं उसमें हम 2 इंच प्लस करते हैं। जैसे हमारे हिप 36 इंच है, तो जैसे इस तरह से डबल करके, तो 36 का चौथा हिस्सा हुआ हमारा 9 इंच, और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो इस तरह से डबल करके हमारी ये चौड़ाई हुई 11 इंच, और ऐसे खोल के होती है 22 इंच। और ये देखिए इस तरह से ये 11 इंच हमारी इसकी डबल करके चौड़ाई बैठती है। और यहाँ पर ये हमारी लंबाई का निशान है, पहले हम यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस हिस्से को अलग कर देते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा जो पीछे का हिस्सा है उसको मैंने इस तरह से इतनी चौड़ाई में डबल करके रखा हुआ है, और उसके ऊपर मैंने जो आगे का हिस्सा है उसको रखा हुआ है इस तरह से। और देखिए, इसमें हमारा बॉर्डर है, लेकिन पीछे के हिस्से में हमें मोड़ने के लिए चाहिए, तो उसमें आप जैसे कपड़ा कम है तो आप कम भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे तुरपाई करनी है तो 2.5 से 3 इंच इसमें हमें मोड़ने के लिए रखना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक इस तरह से निशान लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारा तीरा 14 इंच है, तो उसका आधा हमें 7 इंच लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और यहीं से हम मुड्ढों का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है, तो उसके हिसाब से हमारे मुड्ढे 7.5 इंच बैठते हैं। और मुड्ढों के बारे में देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने मुड्ढों के बारे में काफ़ी खोल के बताया हुआ है। आप किसी भी साइज़ के मुड्ढे, आपकी कोई भी बॉडी साइज़ हो, आप उस वीडियो को देखकर आप उसमें अपने आर्म होल काट सकते हैं कि किस साइज़ में कितने आर्म होल लेने हैं, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। और उसके बाद हम यहीं से इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखिए करीब 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और फिर हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ से हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, जो हमारी कमर के लिए होगा। और यहाँ से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे, जो हमारे हिप के लिए होगा। और अगर आप छोटे चाक पहनते हैं तो आप ये निशान 13 इंच पर भी लगा सकते हैं, और 13.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच, तो ये निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद जो हमने निशान लगाया हुआ है 7 इंच नीचे, यहाँ पर हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसे कमर हमारी 32 इंच है, तो उसके लिए
देखिए उसका चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच, तो ये निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। और इसी तरह जो हमने हिप के लिए निशान लगाया है, जैसे हिप हमारे 36 इंच है, तो ये निशान हम उसका चौथा हिस्सा 9 इंच हुआ 9 इंच पर लगाएंगे। और उसके बाद देखिए हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। और देखिए उसके बाद हम इस तरह से निशान लगाएंगे, ये हमारा कटिंग का निशान होगा और यहाँ से इसको हमें सीधा ही काटना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरह से। और देखिए इसके बाद हम अपना आगे का हिस्सा अलग कर देते हैं। और देखिए उसके बाद हम अपने आगे के मुड्ढों को गहराई देंगे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम 1/2 इंच पर इस तरह से एक लाइन खींचते हैं और इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। और इसको देखिए यहाँ से भी हम यहीं पर रखेंगे, केवल हम बीच में से इस तरह से शेप देंगे इस तरह से। और ये इसकी हम कटिंग कर देंगे, तो ये हमारे आगे के मुड्ढों की गहराई होगी। उसके बाद देखिए हम पीछे का हिस्सा लेते हैं और उसके गले की हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम उसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये मुझे 2.5 इंच रखना है चौड़ाई में। और आप अगर बड़े गले पहनते हैं तो आप 3 इंच रख सकते हैं। और इसकी जो गहराई है वो 5.5 इंच रखनी है। और यहाँ पर इस तरह से यहाँ भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर इस तरह से हम गोलाई देंगे। और इसकी भी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। और देखिए हमें मुड्ढों की साइड इस तरह से यहाँ से तीरे में 1/2 इंच की शेप देनी होती है। उसको आप कटिंग में भी दे सकते हैं और आप चाहें तो उसको सिलाई में भी दे सकते हैं। वो मुझे ध्यान नहीं रहा था तो इसलिए मैं ये दोनों हिस्से मैंने रखे हुए हैं, यहाँ थोड़ी सी शेप दे रही हूँ। और देखिए उसके बाद हम बाजू की कटिंग करते हैं। और मैंने देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई बाजू की उस कपड़े में से निकाल के रख ली है। तो इसकी जो लंबाई है मुझे वो 17 इंच रखनी है तैयार। तो उससे हम 1.5 से 2 इंच ज़्यादा उसकी लंबाई रखेंगे आगे मोड़ने के लिए और इधर मुड्ढों में सिलाई के लिए। और जो इसकी बाजू की हम चौड़ाई रखते हैं, तो जितने हमारे आर्म होल हैं उससे हम 1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं। तो जैसे हमारे आर्म होल 7.5 इंच थे, तो उस हिसाब से मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच रखी हुई है डबल करके। और इसकी जो बंद साइड है वो ऊपर है, देखिए इस तरह से है। और उसके बाद देखिए हम यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसको हम इस तरह से शेप देंगे। और फिर आगे बाजू में हम, जैसे हमारे बाजू की आगे से जो चौड़ाई है वो 10 इंच है, तो उसके आधे पे हम निशान लगाएंगे 5 इंच पर इस तरह से। और 1.5 से 2 इंच हम सिलाई के लिए यानी कटिंग के लिए लेंगे। और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। और इसके बाद हम देखिए इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर बीच में एक छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। और देखिए आप इस तरह से आगे के हिस्सों पर निशान लगा सकते हैं, जैसे एक इधर इस तरह से एक इधर। तो ये जैसे मेरी दोनों बाजू उल्टी हैं तो आप दोनों बाजू उल्टी रखिए, और अगर सीधी हैं तो सीधी रखिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे एक दो सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम थी कि उनका कहना था कि उनकी
जो मुड्डों की गहराई है वो एक ही साइड की हो जाती है, यानी मतलब एक बाजू उनकी पीछे चली जाती है गहराई की और एक आगे आ जाती है। तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं पहले, और फिर देखिए ये दोनों निशान हमारे इस तरह से आ जाएंगे, और इनको हम इस तरह से रखेंगे। और आगे के हिस्से में भी हम करीब आधा इंच की शेप इस तरह से देंगे। और देखिए इस तरह से हमारी ये सूट की कटिंग पूरी हो जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।